में बताएंगे कि आप योनो SBI ऐप के माध्यम से अपना स्टेटमेंट कैसे चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप यहाँ जाना है। फ्रेंड्स, चलिए हम आपको इसकी जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूँ आशीष सिंह चौहान। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर जाना है माई बैलेंस में, और माई बैलेंस में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर करना है क्लिक सेविंग अकाउंट्स में। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स आपके ट्रांजैक्शंस आ गए हैं। यदि फ्रेंड्स आप SBI यूज करते हैं SBI योनो ऐप, तो इसके माध्यम से आप लगभग अपने पुराने 150 ट्रांजैक्शन तक आप यहां पर लगातार देख सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आप SBI योनो ऐप का उपयोग करते हैं, तो अब आपको पासबुक संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आपको पासबुक आपको प्रिंट करवाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये फ्रेंड्स आप देखें कि लगभग आपको 150 ट्रांजेक्शन्स आप यहां पर देख सकते हैं। हम जिस तरह से इनको स्वाइप करके नीचे तक जा रहे हैं, और ये फ्रेंड्स लगभग आप 3 माह पीछे तक का अपना जो ट्रांजेक्शन, जितना भी ट्रांजेक्शन है वो सर्च कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन का फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और इनकी हमेशा हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन यदि हमारे पास में ऑनलाइन माध्यम से सभी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, तो बहुत ही सुविधाजनक स्थिति रहती है। क्योंकि हम देखते हैं कि पासबुक तो हमेशा हम लेके चलते नहीं हैं, लेकिन हमें कहीं भी आवश्यकता पड़ सकती है हमारे पुराने ट्रांजेक्शन देखने के लिए। तो फ्रेंड्स देखें कि वर्तमान में चल रहा है दिसंबर, आज है 18 दिसंबर, और ये जो ट्रांजेक्शन है हमें दिखाई दे रहा है 6 अगस्त 2017 तक। तो लगभग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 से 6 माह तक के आप इसमें ट्रांजेक्शन अपने देख सकते हैं। और फ्रेंड्स यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर एवरेज मंथली बैलेंस भी आप देख सकते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है। अब आपने फ्रेंड्स अपने अकाउंट को किस तरह से संचालित किया है, यहां पर स्पेंड एनालिसिस में आप देख सकते हैं कि आपका खर्च कितना है और आप किन किन चीज़ों पर अपना खर्च करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखें कि पाई चार्ट के माध्यम से बताया गया है कि यहाँ पर जो कलर्स दिख रहे हैं, ये पहला कलर है जो बिल पेमेंट का है, यानी कि 100% रुपये में हम 15.56% रुपया पे करते हैं बिल पेमेंट में, यानी खर्च होता है। और डेप स्टोर्स एंड ग्रोसरी में हम जो खर्च करते हैं वो 0.82% है, जो ना के बराबर लगभग हमने खर्च किया है इस माह। ये मंथली फंड्स आपको दिखाता है, आप वीकली भी देख सकते हैं और क्वार्टर भी, यानी 15 दिन का भी आप देख सकते हैं कि आपने किस तरह से संचालित किया है और किस किस किन किन चीज़ों में आपने खर्च किया है, कितने परसेंट आप किस चीज़ में आप खर्च करते हैं। तो 119 रुपये हमने इसमें खर्च किया है। फंड ट्रांसफर में हमने किया है 31.91%, जो लगभग है 4653 रुपये। मिसलेनियस विविध में हमने किया है 36.94%, जो है 5385 रुपये। और शॉपिंग में हमने खर्च किया है 7.91%, ये है 1153। और विथड्रॉल हमने किया है यहाँ पर 6.86%, यानी कि 1000 रुपीज़। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हमने खर्च किया है वो यहाँ पर है 36.94%, जो मिसलेनियस विविध में है, लगभग 5385 रुपये। तो इस तरह से फ्रेंड्स अपने आप अकाउंट को एनालिसिस भी कर सकते हैं कि आपका जो अकाउंट है उसको आप कैसे यूज करते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखें कि क्वार्टरली हम देखते हैं कि हमने पिछले 15 दिन में अपने अकाउंट को किस तरह से यूज किया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कि यहाँ पर केवल 3 चीज़ें ही दिखाई देती हैं कि 15 दिन में, क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा यूज नहीं किया है। और जो यूज किया है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं, डेप स्टोर एंड ग्रोसरी, यहाँ पर 0.09%, जो लगभग 51 रुपये है, उसको मैंने इसमें खर्च किया है, जो ना के बराबर है। और मिसलेनियस विविध में मैंने किया है 5.16%, जो लगभग 2850 रुपये है 15 दिन के अंदर। और विथड्रॉल है 34.4%, जो लगभग मैंने सबसे ज़्यादा अपने अकाउंट से किया है, ये है 19,15 रुपये मैंने विथड्रॉल किया है। तो ये फ्रेंड्स देखें कि सबसे ज़्यादा कलर इसी का दिखाई देता है, विथड्रॉल का। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, हम इसको देखकर अपना जो अकाउंट है उसको और अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं
हमें कहाँ पर खर्च करना चाहिए, कहाँ पर खर्च नहीं करना चाहिए। ये फ्रेंड्स आप देखें कि ये मेरा वीकली है कि पिछले सप्ताह मैंने अपने अकाउंट को कैसे हैंडल किया है। तो यहाँ पर आप देखें कि फंड ट्रांसफ़र 61.54% जो लगभग 1600 रुपये है मैंने फ़ंड ट्रांसफ़र किया है। ओवरऑल जो मेरे इसमें रुपये था वो 2600 रुपये था पिछले सप्ताह में, जो 100% ओवरऑल यहाँ पर शो कर रहा है। और उसमें 61.54% का उपयोग किया है मैंने अब ट्रांसफ़र करने में, और विथड्रॉल किया है 38.46, जो लगभग 1000 रुपये है इसका मैंने किया है अपने अकाउंट से विथड्रॉल। तो ये था फ्रेंड्स जानकारी। ये जानकारी फ्रेंड्स आपको कैसी लगी? हाँ फ्रेंड्स, हम आपको हम पिछला और दिखाई दे रहे हैं कि आप का जो खर्च है, मंथली जो बैलेंस है, एवरेज मंथली बैलेंस आपके अकाउंट में कितना रहता है, वो इस चार्ट के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जो हमें काफ़ी मदद करता है अपने अकाउंट का एनालिसिस करने में। और यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, माई क्रेडिट कार्ड्स, माई रिवॉर्ड्स, तो इनको आप देख लें। ये सिंपल है, इनको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ये फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा? यदि आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर भी करिए अपने मित्रों को, और फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी हम टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हम डालेंगे वो आपको स्वतः नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएंगी और उनको आप देख पाएंगे सबसे पहले। फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को YouTube में कैसे सर्च कर सकते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि आपको YouTube ओपन करना है और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सर्च डालना है सर्च बार में लॉन्चिंग LAUNCHIING लॉन्चिंग योर YOUR फ्यूचर। ये फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रेंड्स आपको करना है सर्च, और यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे कि ये फ्रेंड्स आपका चौथे स्थान में जो हमारा लोगो दिखाई दे रहा है लॉन्चिंग योर फ्यूचर 32 वीडियोस 221 सब्सक्राइबर्स, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको करना है क्लिक। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये देखिए कि हमारे सभी वीडियोज यहाँ पर उपलब्ध हैं जिनको आप देख सकते हैं, और जो भी आप आवश्यक लगे उनको आप देख सकते हैं। इतने सारे वीडियोज़ हमारे इस चैनल में उपलब्ध हैं आपके लिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको करना है सब्सक्राइब, और यहाँ पर आपको वेल आइकॉन को दबाना है। वेल आइकॉन को आप दबाएंगे तो जो भी हमारे नोटिफिकेशन, यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशंस, यहाँ पर दिख रहा है आपको ऑप्शंस में नीचे, तो या ये जो वेल आइकॉन है इसको दबाने से आपको सभी नोटिफिकेशंस हमारे प्राप्त होंगे। जो भी हम वीडियोज डालेंगे या जो भी होता है हमारी गतिविधि हमारे इस चैनल में, तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Thank you.